केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के लोहिया नगर स्थित स्विमिंग पूल के बाहर गोली मारकर हत्या करने के आरोपी बिलाल को मेरठ पुलिस ने आज दोपहर पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। बिलाल पर 8 से ज्यादा हत्या व लूट के केस दर्ज हैं और वह पहले भी जेल जा चुका है। वहीं मारा गया अरशद नौचंदी थाने का हिस्ट्रीशीटर था और उस पर 18 मुकदमे दर्ज थे। मंगलवार की रात स्विमिंग पूल के बाहर पहले से तैयारी कर के आए बिलाल ने अरशद की उसके बच्चों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के इस मामले में दाऊद, बिलाल, असलम और दानिश के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। देखिए, इस बारे में सीओ आशुतोष कुमार ने मीडिया को यह जानकारी दी। दिनांक 4 को रात्रि में 10-11 बजे के आसपास थाना लोहिया नगर अंतर्गत जुरानपुर एक स्विमिंग पूल के परिसर में एक अरशद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में एक आरोपी दानिश को पुलिस द्वारा पकड़कर जेल भेजा चुका है। आज पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना का मुख्य आरोपी कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया तो यहाँ चिदौड़ी पुलिया के पास उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया है, इसमें बिलाल घायल हुआ है। जानकारी करने पता चला कि इस पर लगभग 8 मुकदमे मर्डर, लूट और चोरी के हैं और इसके पास मौके से एक स्कूटी और एक पिस्टल बरामद हुई है, जिसमें .32 बोर के 3 जिंदा कारतूस हैं और एक कारतूस का खोखा मिला हुआ है। इसको अस्पताल भेज दिया गया है, फील्ड यूनिट मौके पे है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था, इसमें एक आरोपी का कल ही गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। बिलाल की भी मुख्य आरोपी था, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है, जल्दी हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।